पर्चे पे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और लेटेस्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी आप कैपिटल लेटर में लिखना, स्मॉल लेटर में नहीं, अगर वो मिस्टेक हो जाती है टाइप करने में पता नहीं चलता, कैपिटल लेटर में लिख के तो गलती नहीं होगी, वो अपना स्मॉल में टाइप कर लेंगे, वो मेरे ऑफिस में दे देना, अपडेट हो जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ठीक है। यस सर। बहुत जल्दी टैगिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, वो होगा जीके का विजुअल कॉम्पिटिशन। यहाँ पे आप इसमें प्रोजेक्टर में क्वेश्चन चलेंगे, आपको सिर्फ ए बी सी डी आंसर लिखने हैं उसके, टाइम वेस्ट होगा, वो 30 सेकेंड और आपके स्क्रीन पर रहेगा क्वेश्चन, उसके बाद रिपीट नहीं होगा, तो आपकी पावर की देखनी है कितना है ना आप अलर्ट है। करीब 150 के या 200 के करीब क्वेश्चन होंगे आपके, वो जो वो सारे क्वेश्चन होंगे वो बेस्ड होंगे आपके आने वाले एग्जाम पे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पेपर होता है, जो भी आपका कॉम्पिटिशन होगा, सारे बेस्ड होंगे एग्जाम पे, एग्जाम के पैटर्न पे इम्पॉर्टेंट रहेंगे सारे। बाद में वो क्वेश्चन पेपर फिर हम आपको मेल कर देंगे जो यहाँ पे चले, ठीक है। उस दिन आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी, आपको टिक करने के लिए क्वेश्चन चलेंगे स्क्रीन पे। ओके, 30 सेकेंड एक क्वेश्चन रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, अलग अलग बैच का अलग अलग होगा, आपको आंसर लिखना, ऑप्शन रहेंगे चार, उसमें क्वेश्चन आएगा और साथ में चार ऑप्शन आएंगे, आपको ए बी सी डी अपने उसमें लिख लेना है, फिर वो 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिक चेंज जाएगा, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो अलर्ट होकर करना है। करंट अपना करंट अफेयर तैयार करो, जीके का पढ़ाई नहीं है सब कुछ, तो सभी सभी टॉपिक आएंगे उसमें, जोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स गेम, अवार्ड्स, ओके, इस तरह के सभी 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे और इंटरेस्टिंग भी बहुत रहेगा। क्लियर? यस सर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, सब ठीक है? यस सर। ओके।